डायरेक्टर अभिषेक कपूर को नहीं रास आ रही है केदारनाथ से जुड़ती हुई कंट्रोवर्सीज। इससे उनका दिमाग गर्म हो गया है। क्रियाज एंटरटेनमेंट जो केदारनाथ को अभिषेक कपूर के साथ कर रहे थे प्रोड्यूस, वो इस प्रोजेक्ट से हट चुके हैं। उनका कहना सिर्फ इतना था कि फिल्म की रिलीज डेट चेंज कर दी जाए, क्योंकि 21 दिसंबर 2018 के आसपास ही आएगी शाहरुख खान की फिल्म जीरो। जब अभिषेक से ये कहा गया तो उनका दिमाग कुछ ज्यादा गर्म हो गया। ये कॉन्ट्रोवर्सी चली रही थी कि उन्होंने जीरो के लिए कई सारे ऐसे रिमार्क्स दे दिए जो कि उनको सूट बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर और ऐसी कई बड़ी सेलिब्रिटीज के खिलाफ कई चीजें कही हैं। उनमें से शाहरुख खान के लिए उन्होंने ये कहा है कि फिल्म जीरो का टीजर जब उन्होंने देखा था तो उन्होंने टेक्स्ट मैसेज किया था अपनी फिल्म की प्रोड्यूसर्स यानी क्रियाज की टीम को और कहा था कि शाहरुख खान इसमें एक एलियन लग रहे हैं और उन्होंने शाहरुख के लुक का काफी मजाक उड़ाया था। आपको बता दें कि शाहरुख खान इस फिल्म जीरो में एक ड्वार्फ यानी बौने का किरदार प्ले कर रहे हैं। फिल्म का जो पहला टीजर आया था उसमें शाहरुख खान ने अपने जीरो स्टाइल के अंदर एंट्री मारी थी और उसे देखने के बाद अभिषेक कपूर ने कह दिया था कि ये फिल्म मेरी फिल्म से बेहतर नहीं हो सकती, मेरी फिल्म कमाल की फिल्म होगी। अभिषेक कपूर बना रहे हैं केदारनाथ, जो कि सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान की डेब्यू फिल्म है और इसमें उनके साथ हैं सुशांत सिंह राजपूत। इट्स अ लव स्टोरी विद अ बैकड्रॉप ऑफ 2013 ऑफ केदारनाथ फ्लड, जो कि एक बहुत ही भीषण आपदा आई थी केदारनाथ पर। अभिषेक कपूर की ये फिल्म कितना रंग लाती है ये वक्त बताएगा, लेकिन अभिषेक की बोली गई ये जबान उनके लिए मुसीबतें जरूर ला सकती है।